तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा की तरफ से आने वाली एक ऐसी लेटेस्ट प्रोडक्ट जो अभी तक मार्केट में सबसे ज़्यादा धमाल मचा के रख दी है। ये आज आपके सामने खड़ा है Z8L मैनुअल ट्रांसमिशन टू व्हील ड्राइव। इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें आपको क्या कुछ फीचर्स मिल जाते हैं और कौन सा इंजन आपको ऑफर किया गया है और क्या क्या फीचर्स आपको इसमें ऑफर किए गए हैं और ये वेरियंट आपको कंसिडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर जो आप प्राइसिंग की बात करेंगे तो 11,99,000 से स्टार्टिंग है। टॉप मॉडल की कीमत आपको तकरीबन 24,00,000 रुपये की एक्स शोरूम अभी आपको पड़ जाती है। कि ये जो महिंद्रा स्कॉर्पियो इतनी हाइप बनी हुई है इसकी मार्केट में, आखिरकार इसमें क्या फीचर्स हैं और क्या दीवानगी है, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर जो आप इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करेंगे तो ये आपको पड़ जाती है 22,96,000 ऑन रोड, हमारे गोरखपुर में देख सकते हैं सरदार मोटर। अगर जो आपको भी महिंद्रा की कोई भी गाड़ी चाहिए तो आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं। मैं इनका कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फीचर्स आपको बताते हैं कि इस सेकेंड टॉप मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले की बात करेंगे तो ऐसी कुछ आपको की देखने को मिल जाती है। और महिंद्रा का ये जो न्यू वाला लोगो आ गया है इसकी वजह से तो गाड़ी भाई और भी प्रीमियम हो जा रही है। ये महिंद्रा की हरी गाड़ियों में अब यही की आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपको लॉक अनलॉक करने के बटन्स मिल जाते हैं और बीच में जो बटन्स दिया गया है ये बूट अनलॉक होता है, ओपन नहीं होता है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, लो बीम और हाई बीम यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो आपको सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स दिए गए हैं, अगर जो आप रात के टाइम पे देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन लगेगा। और यहाँ पे आपको फॉग लैंप भी ऑफर किया गया है और इसका ये फीचर है, जैसा आप गाड़ी का स्टीयरिंग इधर रोटेट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये फॉग लैंप जल जाएगा और जब ये टायर इस साइड रोटेट होगा तो ये फॉग लैंप जल जाता है। इसमें आपको फ्रंट में 2 पॉइंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, काफ़ी फायदेमंद है क्योंकि भाई इतनी बड़ी गाड़ी है, आपको जरूर सेफ्टी का ध्यान रखते हुए सारी चीज़ें दी गई हैं। और थोड़ा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्किड ब्रेक भी ऑफर किया गया है। अगर जो आप इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो 157 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है और 6 स्लॉट ग्रिल के साथ यहाँ पे आपको महिंद्रा का न्यू वाला लोगो देखने को मिल जाता है। इस वेरिएंट में आपको फ्रंट में कैमरा, रियर में कैमरा देखने को मिल जाता है, कोई भी 360 डिग्री कैमरे का ऑप्शन नहीं मिलता है। ऐसा कुछ है इसका ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल देखेंगे आप, रेन सेंसिंग आपको वाइपर्स मिल जाते हैं। अब आ जाते हैं धीरे धीरे साइड में देखेंगे तो ऐसी कुछ लुक निकल के आती है इसकी साइड प्रोफाइल की, देख लीजिए काफ़ी लंबी चौड़ी लग रही है। अगर जो आप टायर साइज की बात करेंगे तो 245/65R 17 इंच के आपको एलॉय व्हील मिल जाते हैं डायमंड कट, चारों टायरों में आपको डिस्क मिल जाता है। यहाँ देखेंगे तो भाई सबसे बहुत ज़्यादा ऊंची है तो इसके लिए आपको फुटरेस्ट भी ऑफर किया गया है और डोर में साइड मोल्डिंग का भी यूज देखने को आपको मिल जाता है सिल्वर और मैट फिनिश के साथ, जो कहीं ना कहीं जो इसकी साइड लुक है काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको 47 लीटर की फुल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है और ऐसा कुछ है इसका साइड प्रोफाइल। यहाँ देखेंगे डोर पे नज़र डालेंगे तो आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा क्रोम का पट्टी लगाया गया है, कहीं ना कहीं जो गाड़ी की लुक है इम्प्रूव हो जाती है। रिक्वेस्ट सेंसर्स मिल जाते हैं, ओ आर एम्स पर नज़र डालेंगे तो जो कि इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल और ऑटो फोल्डेबल आपको ओ आर एम्स मिल जाते हैं, देख लीजिए काफ़ी बड़ा सा आपको ओ आर एम्स मिल जाता है। ऊपर नज़र डालेंगे तो यहाँ से आप जब खड़े होंगे ना यहाँ, तो यहाँ ऊपर इसे नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए आप इसको रोफेल्स को पकड़ना पड़ेगा। तो सिल्वर फिंस के साथ आपको रोफेल्स मिल जाता है, ऊपर यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ भी ऑफर किए गए हैं। तो ऐसा कुछ है इसका साइड प्रोफाइल, देख लीजिए आप। चलिए रियर में दिखाते हैं क्या कुछ मिल जाता है। तो भाई साहब जितनी ज़बरदस्त आगे से ये लग रही है उतनी ही ज़बरदस्त ये पीछे से लग रही है। यहाँ देखेंगे तो काफ़ी बड़ा सा आपको इसमें टेल लैंप देखने को मिल जाता है जो कि LED सेटअप आते हैं, इतना ये पूरे ब्रेक वाली लाइट हो गए, ये टर्निंगेटर्स हो गए। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर किया गया है, मतलब ये रिक्वेस्ट सेंसर आपको 3 जगह मिल जाते हैं, ड्राइवर साइड, को ड्राइवर साइड, एक आपको बूट्स में भी मिल जाता है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको रिवर्स लैंप हो गया, तो इन को ऑफर किए गए हैं। 2 पॉइंट अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स इसमें आपको रियर में मिल जाते हैं। अगर आप इसके स्पेयर व्हील की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑफर किया गया है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्रोम गार्निश की पट्टी लगाई गई है, कहीं ना कहीं जो इसकी रियर लुक है काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है और रियर में भी आपको स्किड प्लेट ऑफर किया गया है। ऐसा कुछ है इसका रियर्स का प्रोफाइल। यहाँ देखेंगे तो वाइपर्स, डिफोगर्स, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप और काफ़ी बड़ा सा आपको स्पॉइलर भी ऑफर किया गया है। यहाँ देखेंगे तो महिंद्रा का नया वाला लोगो जो अभी रिसेंटली आया है और यहाँ पे आपको रिवर्स कैमरा लगाया गया है, आगे था इसका फ्रंट कैमरा, ये हो गया इसका रियर कैमरा, देख लीजिए स्कॉर्पियो N, यहाँ पे आपको स्कॉर्पियो N लिखा गया है 3D में। अगर जो आप इसकी बूट स्पेस की बात करेंगे तो आप यहाँ से इसका बूट डोर खोल सकते हैं जो कि हाइड्रोलिक सेटअप आता है। इसमें छोटा मोटा सामान रखना है तो आप यहाँ पे
छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। वैसे लॉन्ग टूर पे जाना चाहते हैं तो इस सीट को आप फोल्ड भी कर सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा। यहाँ देखेंगे तो सिल्वर सोनिक के साथ डोर ओपनर्स मिल जाते हैं और सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं। यहाँ टूल किट्स वगैरह रखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, गाड़ी के साथ साथ टूल किट्स वगैरह भी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो चलिए अब आपको इसका इंटीरियर प्रोफाइल दिखाते हैं, इसके इंटीरियर में आपको क्या कुछ मिल जाते हैं। तो इंटीरियर में जाने से पहले यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स मिल जाता है, इस बटन को दबाएंगे तो गाड़ी लॉक और अनलॉक हो जाती है। तो यहाँ देखेंगे तो सॉफ्ट टच का यूज किया गया है जो कि लेदर फिनिश के साथ है। सिल्वर फिनिश के साथ डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, डोर ओपनर्स, चारों पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। और ये जो ड्राइवर साइड डोर है इसे आप वन टच अप एंड वन टच डाउन कर सकते हैं, ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों डोर्स को। चलिए यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको बोर्डर होल्डर, पेपर होल्डर, रिफ्लेक्टर वगैरह नहीं मिलता है और आपको स्पीकर के ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे आपको ट्विटर्स भी देखने को मिल जाता है। सीट के एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक से एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे करना तो आप यहाँ से इसे इलेक्ट्रिक आगे पीछे कर सकते हैं। देख लीजिए ये रिक्लाइन एंगल हो गया, अगर आपको रिक्लाइन करना है तो आप यहीं से रिक्लाइन कर सकते हैं, आगे पीछे करना है तो आप यहीं से कर सकते हैं, देख लीजिए जो कि इलेक्ट्रिक है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ से आप इसका बोनेट खोल सकते हैं। पार्किंग सेंसर, अगर जो आपको इसका जो फ्रंट पार्किंग सेंसर इसे ऑन और ऑफ करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। हेडलैम्प्स का लेबल, पुश इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। हम आ गए हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के इंटीरियर प्रोफाइल में। सबसे पहले स्टीयरिंग पे नज़र डालते हैं, इसका स्टीयरिंग कैसा है। तो सब एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो ये आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक आपको स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलते हैं। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स हो गए, जैसा कि वॉल्यूम अप डाउन वगैरह करना और सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। क्रूज कंट्रोल के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। MID की इन्फॉर्मेशन आप यहीं से इस बटन को दबा के सारी चीज़ें ले सकते हैं, जैसा कि कार इन्फो, फ्यूल इन्फो, डिजिटल स्पीड, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन सेटिंग, अलर्ट हिस्ट्री, मैंने जो सारे इन्फॉर्मेशन है आप यहीं से चेक कर सकते हैं। स्पीडोमीटर, टेकोमीटर का ऑप्शन आपको मिल जाता है और जब आप पे इसका एमिनेशन जब ऑन होता है तो आप बहुत बेटर फील कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी प्रीमियम लगती है। इसमें आपको मोड्स भी देखने को मिल जाता है, यहाँ देखेंगे ये जैप मोड हो गया, जिप, जैप, जूम, आपको 3 मोड्स देखने को मिल जाते हैं। ZL मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 3 मोड्स देखने को मिल जाते हैं जिसके बटन यहाँ पे दिए गए हैं, देख लीजिए, जिप, जैप, जूम, यहाँ से आप अपने हिसाब से कौन से मोड में आपको चलाना है तो आप चला सकते हैं। काफ़ी बड़ा सा आपको डैशबोर्ड ऑफर किया गया है, यहाँ पे आपको ऑटो हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, ऑटो वाइपर्स मिल जाता है। यहाँ देखेंगे तो काफ़ी भारी सा आपको रिमाइंडर्स दिया गया है जिसको पकड़ के आप आसानी से अंदर बैठ सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको सोनी का सब वूफर्स मिल जाता है, सॉफ्ट टच का यूज़ किया गया है। सेंटर कंसोल पर नज़र डालेंगे तो ग्रे फिनिश के साथ आपको इसका ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है। आपको फुल HD डिस्प्ले मिल जाता है एंड्रॉइड ऑटो प्ले के साथ, इसमें आपको एप्पल कार प्ले का ऑप्शन नहीं मिलता है। हो सकता है लाइफ में कभी अपडेट वगैरह आए तो इसमें आ सकते हैं। और जैसा कि नेविगेशन वगैरह सारी चीज़ें आप यहां से इसे फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं एंड्रॉयड वाले से, और आप नेविगेशन वगैरह सारी चीज़ें चेक करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑन करके सारी चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं। ये हो गए तमाम बटन्स जिन्हें आप वॉल्यूम अप डाउन वगैरह करना तो आप यहाँ से सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपको डुअल जोन AC मिल जाता है, देखिए इस ये जो बंदा है यहाँ से बैठ के अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है, आप यहाँ पे बैठ के इस हिसाब अपने हिसाब से यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो ये ड्राइव मोड का ऑप्शन हो गया, जिप जैप जूम वाला जो है, यहाँ से आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन और ऑफ कर सकते, हिल कंट्रोल्स, यहाँ पे आप 1000 लाइट ऑन करने का ऑप्शन, इंडल आइजन पोजिशन वाली बटन दी गई है। अगर जो आप इसके कैमरे की बात करेंगे तो ये हो गया इसका फ्रंट कैमरा, ये हो गया इसका, अगर जो आप इसके रियर कैमरे की बात करेंगे तो ये हो गया इसका रियर कैमरा। फ्रंट कैमरा या रियर कैमरे की बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा और इसको देखने को मिल जाता है, देख लीजिए ऐसी कुछ है। ASUS का बटन आपको मिल जाता है, टाइप सी के और USB पोर्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। स्टोरेज जो वगैरह दिया गया है, फोन वगैरह रखना चाहते हो तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो जिसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाता है इसमें। नॉर्मल से आपको हैंडब्रेक मिल जाता है क्रोम इंसर्ट के साथ, 2 कप होल्डर्स, यहाँ पे आपको लेदर फिनिश के साथ आर्मरेस्ट मिल जाता है विद स्टोरेज के साथ, फोन वगैरह रखना चाहते हैं की वगैरह तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। आपको कोल्ड ग्लव बॉक्स ऑफर किया गया है विद LED लाइट के साथ, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्कॉर्पियो L लिखा गया है, यहाँ पे भी आपको काफी हैवी ग्रैब हैंडल्स ऑफर किया गया है। यहाँ नजर डालेंगे तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर्स, यहाँ पे आपको बेल्टी रेडर मिरर के साथ LED लाइट्स ऑफर की गई है, डे नाइट IRVMs, सनग्लास होल्डर्स, यहाँ पे आपको LED लाइट्स ऑफर की गई है। ये जो इसका सनरूफ है इसे आप वन टच ओपन एंड वन टच क्लोज कर सकते हैं, इसे आप मैनुअल इसको आपको बंद करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ है इसका ओवरऑल इंटीरियर।
देख लीजिए आप। अगर इसमें आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS, EBD, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, 6 एयरबैग के साथ आपको स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फियर वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, आपको काफी सारे तमाम फीचर्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। सेफ्टी फीचर में तो भाई सबसे टॉप पे है, क्योंकि अभी तो इसका क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, पर फिलहाल के लिए जिस हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी है काफी प्रीमियम है। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं इसका रियर स्पेस चेक करवा देते हैं, रियर स्पेस में आपको कितना लेग रूम और कितना हेडरूम मिल जाता है। तो ये देखिए, अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं सीट को, फिर आपको दिखाएंगे कि इसमें आपको कितना लेग रूम और कितना हेडरूम मिल जाता है। इधर को अप डाउन करने का ऑप्शन, डोर ओपनर, सारी चीजें, हैंडल वगैरह दिया गया है। स्पेस के मामले में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, 6 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। यहाँ बैठेंगे तो काफी अच्छा खासा लेग रूम, काफी अच्छा खासा हेडरूम। भाई एक ब्रांड SUV है तो इसमें तो आपको स्पेस के मामले में तो आप जिक्र ही मत कीजिए, काफी अच्छा खासा स्पेस मिलेगा। यहाँ देखेंगे तो ग्रे फोल्डेबल ग्रे बंडल्स मिल जाता है, रूम लाइट भी ऑफर की गई है जो कि LED लाइट के साथ आती है। ऐसा कुछ है रियर से, फ्रंट प्रोफाइल देख लीजिए और 2 आपको AC वेंट मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको AC वेंट के फैन रुकर आप यहाँ से बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, जो ठंड का आनंद ले सकते हैं। 6 में आपको कैप्टन सीट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसे ऐसे करके आप काफ़ी कम्फर्टेबल यहाँ से यहाँ पे बैठ सकते हैं। अगर जो आप इसके रियर में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसके थर्ड रो में जा सकते हैं, थर्ड रो में बैठेंगे, ठीक ठाक है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, LED लाइट्स, ग्रे बंडल्स भी आपको पकड़ने के लिए दिया गया है। यहाँ देखेंगे तो काफ़ी बड़ा सा आपको मिरर मिल जाता है, आप यहाँ से बैठ के काफ़ी अच्छा फील और बाहर से बाहर ताक झाक कर सकते हैं। स्टोरेज दिया गया है, फ़ोन वगैरह रखना तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। ऐसा कुछ है का फोल्डर वगैरह नहीं दिया गया है, 2 की चार्जिंग सॉकेट वगैरह नहीं दिए गए हैं। लाइट तो गाड़ियों में हर जगह दिया गया है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, रूम लाइट वगैरह सारी चीज़ें दी गई हैं। ऐसा कुछ है इसका रियर थर्ड रो से फर्स्ट रो का लुक, देख लीजिए आप। चलिए अब हम आपको चेक करवा देते हैं इसका इंजन, आपको इसमें इंजन कौन सा ऑफर किया गया है। तो अगर जो आप महिंद्रा स्कॉर्पियो N में आने वाले इंजन की बात करते हैं तो ये डीजल इंजन है जो कि 2.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है। अगर जो आप इसकी पावर की बात करेंगे तो आपको 200 BHP की पावर निकालता है और 370 Nm का टॉर्क निकालता है। अगर जो आप माइलेज की बात करें तो कंपनी आपको 15 की माइलेज कंपनी क्लेम करती है। तो दोस्तों ये थे गाड़ी के एक्सटीरियर इंटीरियर ऑल डिटेल। ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष का रिव्यू, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं।